गाड़ी छोड़ दो, सीधी भर लो उड़ान और चंद घंटों में देख लो चित्तौड़गढ़ जैसा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल सिटी जैसलमेर। अभी बज रहा है 9:15 एंड आज तारीख है 10/10/2020, कुछ अलग सी तारीख है आज, मतलब कि ऐसी तारीख डेट्स डेली नहीं आती। सो आज मैं जा रहा हूँ जैसलमेर फोर्ट में अगेन, क्योंकि कल मैं गया था बट जैन मंदिर जो है वो 12 बजे क्लोज हो चुका था। सो आज मैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए अगेन जैसलमेर फोर्ट में जा रहा हूँ। सो अभी मैं मॉर्निंग में जा रहा हूँ क्योंकि 12 बजे वो बंद हो जाता है। जैसलमेर फोर्ट में एंट्री के लिए एक ही गेट है, मेन गेट है, जो उसके सिवा कोई एक और कोई गेट नहीं है। चलो भाई हम आ गए जैसलमेर जैन मंदिर में। मंदिर में पहले जाने से पहले पैर धोने अनिवार्य है। ये जो मंदिर है वो 600 साल पुराना है और ये जो किले के ऊपर 9 दिरासन है, 9 दिरासन के अंदर 6,666 मूर्तियाँ हैं। इसका निर्माण करवाया था 1156 में, फोर्ट का किले का निर्माण जैन मंदिर को करवाया 14वीं सदी में। किसी टाइम में हमारे पहले जैसलमेर की राजधानी हुआ करती थी यहाँ से 16 किलोमीटर दूर लुधरवा, जिसको पहले बोलते थे लुधरपुर, अब बोलते हैं लुधरवा। किसी टाइम में यहाँ पे 2,750 फैमिली थी, जैन फैमिली। ये किले पे नहीं, यहाँ से 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर दूर। वहाँ पे मोहम्मद गौर यहाँ पे आ गया, उसने अटैक किया वहाँ के अंदर, वहाँ के मंदिर को डैमेज किया। फिर फोर्ट के अंदर अपने जैन भाइयों ने जगह मांगी, राजा को भी फाइनेंस करते थे इतने पैसे वाले ये अपने यहाँ के जैन भाइयाँ थे। तब राजा ने यहाँ पे 3 शर्तें रखी, जो मंदिर बनेगा इसमें हमारे भी देवी देवता होने चाहिए, दूसरी शर्त यह है कि आप फोर्ट के अंदर नहीं रहोगे, फोर्ट के नीचे आप कहीं पर भी रहिए, तीसरी शर्त यह है इसमें हमारे भी हिंदू देवी देवता होने चाहिए। इस मारे यहाँ पे देखिए ऊपर गणपति हैं 12 गणेश जी अलग अलग मुद्रा, 12 शंकर पार्वती जी अलग अलग मुद्रा, और ये बीच में जो झूमर देखने बना हुआ ये पूरा सिंगल पीस है। और ये पहले लाइटें नहीं थी, यहाँ पे दिए रखते थे। अच्छा। और ये अपने 108 पारसनाथ भगवान है, अलग अलग रूप में। और ये अपने चाइनीज ड्रैगन बने हुए हैं। सॉरी, चाइनीज ड्रैगन। अच्छा, ड्रैगन। हाँ, चाइनीज। अच्छा। और ये अपने पहले लाइट वगैरह नहीं थी ना भैया, तो ये बालकनी है बाहर, बाहर से जो सूर्य भगवान की किरणें आती थी। ये दरवाजे तो अभी लगे हैं 14 सेंचुरी, पहले नहीं था ये, नीचे टकरा के आती थी जो नीचे पड़ती थी। अच्छा। जिसको बोलते थे सनलाइट, कि घोड़ा कीजे काट का, पिंड कीजे पासान, बख्तर कीजे लोहे का, तब देखो जैसा। अच्छा। यानी घोड़ा जो लकड़ी का हो चलता ही जाए, खाने को कुछ ना मांगे, पिंड कहते हैं पेट को, वस्त्र जो अपना शरीर हो जो लोहे की तरह मजबूत हो, जो यहाँ के टेम्परेचर पड़ता था 45-47 उस टाइम जमाने में, यानी गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए, तब आओ जैसलमेर। और अभी आपने शायद पिक्चर देखी हो, हम दिल दे चुके सनम, जब यहाँ पे ऐश्वर्या जी आई वो 3 घंटे में जैसलमेर देख करके चली गई। तो हमारे यहाँ के गाइड वगैरह उनने कहावत भी चेंज कर दी। क्या कहावत चेंज कर दी, कि घोड़ा गाड़ी छोड़ दो, सीधी भर लो उड़ान और चंद घंटों में देख लो चित्तौड़गढ़ जैसा। तो भाई अभी मैं दरअसल तो मैंने एक्सप्लोर कर लिया है, ये बहुत ही मस्त मंदिर है। इधर 5 मंदिर है एक्चुअली। सो ये मंदिर बहुत अच्छा, मतलब
अगर आप जैन हो तो आपको आना चाहिए, एक बार इक्वल तो आना ही चाहिए लाइफ में, बहुत मस्त मंदिर है। मेरे ऊपर की जो छत है ना वो लकड़ी की बनी हुई है, किले की अंदर के जो म्यूजियम है उसकी जो छत है वो लकड़ी की ही है अभी भी। यहाँ फोर्ट के अंदर ही बहुत सारी शाही होटल है, तो अगर आपको किले के अंदर रुकना है तो आप रुक सकते हो बेफिक्र। बहुत सारी होटल्स है, गेस्ट हाउस है, कैफ़े शॉप्स है, बहुत सारे, बट थोड़े कॉस्टली हैं, सो उस चीज़ का ध्यान रख के आना। बाकी अंदर बहुत सारे, मतलब कि अगर आपको किले फोर्ट के अंदर का कल्चर का एक्सपीरियंस करना है तो बहुत सारी होटल्स है, मतलब कि शाही होटल्स है बहुत सारे। तो अगर आपको जाना है इस व्यू को, किस साइड है? नहीं नहीं व्यू व्यू लास्ट कॉर्नर। ओके थैंक यू। मैं किले के अलग अलग साइड से अलग अलग व्यू एक्सप्लोर भी करता हूँ साथ में, क्योंकि हर एक एंगल से किसी भी चीज़ को देखने का बहुत नज़ारा ही बहुत मस्त है। और किले की बाहर का जो व्यू है वो बहुत ही मस्त है, मुझे बहुत ही पसंद आया, तो मैं हर साइड का जो व्यू है वो एक्सप्लोर करता हूँ। अभी मैं जहाँ पे आया हूँ वहाँ का 90 डिग्री तो ये सिर्फ किले का मतलब कि पूरा व्यू है।